भारत नेपाल मैत्री के तहत जयनगर से कुर्था तक 34 किलोमीटर रेल सेवा 8 वर्षों बाद पुनः शुरू होने से सीमा के दोनों तरफ के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर संयुक्त रूप से उद्घाटन जैसे ही किए ट्रेन आगे सफर पर चल पड़ी। 8 वर्षों बाद ट्रेन यातायात शुरू होने से दोनों देशों के नागरिकों में खुशी की लहर है। भारत में स्थित जयनगर रेलवे स्टेशन जहाँ से ट्रेन परिचालन शुरू हुई, भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री नई दिल्ली से ही वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रेलवे का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन दिल्ली के हैदराबाद हाउस से किया गया। स्थानीय लोगों की माने तो ट्रेन के शुभारंभ से जनकपुर के लिए पर्यटनों का बढ़ावा मिलेगा, वहीं व्यवसायियों को भी फायदा होगा। उद्घाटन समारोह का जयनगर और जनकपुर स्टेशन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। डीएम अमित कुमार, एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, नेपाल रेल के जीएम निरंजन झा सहित दर्जनों अधिकारी जयनगर स्टेशन पर पहुंचकर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। वहीं 5-6 स्टेशनों से होते हुए भारत नेपाल मैत्री रेल 2 घंटे के सफर करते हुए जनकपुर और वहां से कुर्था स्टेशन पहुंची। रास्ते पर ट्रेन के स्वागत में फूलमालाओं के साथ हजारों महिला, पुरुष, बूढ़े, जवान एवं बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत करते रहे। लग रहा था मानो सभी ने इस ऐतिहासिक पल को अपनी नजरों में बसा लेना चाहते हो। दुल्हन की तरह सजी भारत नेपाल के मैत्री की प्रतीक ट्रेन जहां जहां से आगे बढ़ती गई, नेपाल क्षेत्र के नागरिकों ने जय मध्य जय नेपाल जय भारत के नारों से ट्रेन से सफर कर रहे दोनों देशों के मीडिया के लोगों, रेल अधिकारियों एवं राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का स्वागत करते रहे, जिसे देखकर लग रहा था मानो नेपाल के नागरिकों के लिए जीवन का सबसे बड़ा सपना को 8 वर्षों के बाद भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री ने अमलीजामा पहना दिया हो। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। आज जसरी हामीले समारोह मनाइरहेका छौँ, यो दिन सम्मान आउनका लागि हामीले जे गरेका छौँ म उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी म हाम्रो सुरक्षा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर खटाएका सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश प्रमुख गणेश थाराजीको पनि नाम मैले लिनु।